हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यार फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बात करते हैं विद्युत भाग, विद्युत विभव भाग 9 का। इसके पहले हम लोग 1 से 8 तक विद्युत विभव के भाग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। यदि आप हमारे YouTube के लिए नए स्टूडेंट हैं तो कृपया जरूर उसे सारे वीडियो को देखिए, आपको समझने में आसान हो जाएगा। ये जो वीडियो है बहुत ही आसान तरीके से हिंदी माध्यम में बनाया गया है, आप लोग इसको जरूर देखिए। तो हम लोग आते हैं विद्युत विभव के भाग 9 भाग में। सबसे पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार। स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जो बिहेवियर होता है वो सबसे पहला जो होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर जो होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरोपित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। जो चालक के पृष्ठ होते हैं उस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कैसा होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। यानी कि जो चालक है उस चालक के अंदर या बाहर जो भी आवेश अगर स्थित है तो उतना ही रहेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई अतिरिक्त आवेश उस पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन यूनिट वेक्टर होता है। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है संपूर्ण चालक के लिए विद्युत विभव नियत होता रहता है। यानी कि कोई भी चालक पदार्थ हो उस पर विद्युत विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना अधिक होता है ना कम होता है, उसका जो मान होता है वो फिक्स रहता है यानी कि नियत रहता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या, तो कहेंगे किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत की परिरक्षण कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र के को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत की परिरक्षण कहते हैं। जैसे बिजली गिरने के समय बन कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। कभी भी आकाश में बिजली गरजता है तो उससे बचने के लिए अगर हम घर के अंदर है तो घर में ही रहना चाहिए, यदि कार या बस में है तो कार या बस में ही रहना चाहिए, कभी भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसे हम स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स जो टॉपिक है पराविद्युत किसे कहते हैं, तो कहेंगे पराविद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। पराविद्युत क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ध्रुवीय अणु होता है और दूसरा जो होता है अध्रुवीय अणु होते हैं। पराविद्युत क्या है, तो कहेंगे पराविद्युत अचालक पदार्थ होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला ध्रुवीय अणु और दूसरा अध्रुवीय अणु। सवाल ये है कि ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो टॉपिक है ध्रुवीय अणु का है, तो कहेंगे ध्रुवीय अणु की आकृति सममित नहीं होती है। ध्रुवीय अणु की आकृति जो होती है वो सममित नहीं होती है। जिन जो बाह्य आवेश होते हैं, बाह्य आवेश के जो अनुपस्थिति में जब किसी अणु में धनात्मक आवेशों का केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के सममित मतलब एक दूसरे के समरूप नहीं होता है तब अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे HCl, H2O, NH3, CO2, हाइड्रोक्लोरिक वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सब ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय अणु की आकृति कैसा, सममित नहीं होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोपित नहीं हो पाते हैं, दोनों का केंद्र एक बिंदु पे नहीं हो पाता है, तो ऐसे अणु को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे में HCl हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। टॉपिक की बात करते हैं अध्रुवीय अणु।
ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं? ये ध्रुवीय अणु का ही अपोजिट है कि किसी अध्रुवीय अणु की आकृति सममित होती है, वहां पे सममित नहीं होती थी और यहाँ पे है किसी अध्रुवीय अणु की आकृति सममित होती है। आकृति जो होती है वो सममित होती है जब किसी अणु में धनात्मक आवेशों का केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के संपाती होता है, तब अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। वहां पे संपाती नहीं हो रहा था, यहाँ पे संपाती होते हैं, यानी कि एक अणु का जो केंद्र बिंदु होता है दूसरे अणु के केंद्र बिंदु के संपाती होते हैं, तो ऐसे अणु को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्शन है, कभी कभी क्या होता है ध्रुवीय अणु बन जाता है, कभी कभी अध्रुवीय अणु बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं या क्या है? तो डायलैक्टिक ऑब्जेक्ट्स, तो कहेंगे समानतः किसी अचालक पदार्थ को पराविद्युत कहा जा सकता है। किसी भी अचालक पदार्थ को क्या कह सकते हैं? पराविद्युत कहा जा सकता है। जैसे सूखी वायु, सूखी ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, तथा सूखी लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रवृत्ति तथा पराविद्युतांक। विद्युत प्रवृत्ति तथा पराविद्युतांक, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अधिकतर पराविद्युतों में जो ध्रुवण सदिश पी वेक्टर होते हैं, पी वेक्टर पराविद्युत की सम्मानित विद्युत क्षेत्र कैपिटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर के समानुपाती होती है। अर्थात कहेंगे कि पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर, या फिर कहेंगे पी वेक्टर इक्वल टू जाई ई ई वेक्टर। जाई ई यहाँ पे है एक नियतांक है जिसे कहेंगे पारा विद्युत का स्थिर अभिलक्षण, जिसे पारा विद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इसकी कोई बीमा नहीं होती है। फिर से एक बार कहेंगे कि विद्युत प्रवृत्ति तथा पराविद्युतांक में क्या संबंध है? तो कहेंगे अधिकतर पराविद्युतों में ध्रुवण सदिश पी वेक्टर पराविद्युत की सम्मानित विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समानुपाती होती है। अर्थात पी वेक्टर ये ध्रुवण सदिश है, समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ई वेक्टर के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जाई ई आता है। पी वेक्टर इज इक्वल टू जाई ई ई वेक्टर, जहां जाई ई जो है पराविद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, जिसे पराविद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इसकी कोई बीमा नहीं होती है, क्योंकि मात्रक ही नहीं होता है तो बीमा होने का सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, पराविद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी पराविद्युत के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान ही पदार्थ का पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। पराविद्युत सामर्थ्य किसे कहेंगे? किसी पराविद्युत के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किया जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान ही पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इसका विमीय सूत्र जो होता है एमएलटी का पावर -3 ए इनवर्स होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? एमएलटी का पावर -3 ए इनवर्स होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।